सो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बड़ा इजी टॉपिक है ये, बच्चों को टफ लगता है, बच्चे हमेशा डिफिकल्टी फेस करते हैं। क्या बोला मैंने? बच्चों को टफ लगता है, बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट बिलीव करो बहुत इजी है। कुछ स्टेप्स याद रखने हैं आपको, बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। देखो जैसे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब एक बेंजीन रिंग हो आपके पास, क्या हो? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो। क्या लगा हो? कोई ग्रुप, कोई ग्रुप लगा हो, और इस ग्रुप के आसपास डबल बॉन्ड ना हो। क्या ना हो? डबल बॉन्ड ना हो। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, जो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। डबल बॉन्ड ना हो, अगर इसके आसपास डबल बॉन्ड ना हो तो सभी क्वेश्चन में सेम तरीके से काम होता है। रट्टा मार लोगे ना एक बार, दो तीन बार लिख के अच्छे से रट लोगे उसको, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, दुनिया के सारे क्वेश्चन। क्या ना होना चाहिए? बस डबल बॉन्ड। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो जी लिखा है मैंने, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको क्वेश्चन कुछ दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये है और ये बेंजीन रिंग है, और मैंने कहा यहाँ पर क्लोरीन है। क्या इस क्लोरीन के आसपास डबल बॉन्ड है? नहीं। वैसे मैंने कहा देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया OH, OH, क्या एक दो तीन चार, वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा सकते हो आप, एक दो तीन चार पाँच छः। ये मैं कैसे बना रहा हूँ? क्लोरीन के लास्ट में होते हैं सेवन, कितने होते हैं? तो एक दो तीन चार पाँच छः, और एक रहा सात। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं? छः। तो एक दो तीन चार पाँच छः। तो आप है ना, ये चाहो तो आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो दिखा सकते हो, और दिखाना चाहिए भी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ क्लोरोबेंजीन हो, इसको फिनॉल बोलते हैं अगर ना पता हो तो, ये क्लोरोबेंजीन है, ये फिनॉल है, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आ गया, मान लो ये आ गया CH3, ठीक है ना, ये जो CH3 है, अभी इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो जहां पर भी आपको बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड दिखाई दे, उन सब के लिए एक ही रेजोनेंस करने का तरीका है, जो ट्रिक मैंने आपको बता रहा हूं। अब कैसे करेंगे? तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठा लिया, क्लोरोबेंजीन को उठा लिया, ठीक है। चलो क्लोरोबेंजीन को भी उठा लेंगे, एक बार टॉलिन को भी उठा लेंगे। एग्जाम में वैसे ये वाला आता है, इसका नाम होता है टॉलिन। क्या होता है? टॉलिन। तो ये वाला हम करके दिखा देंगे आपको, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, आपकी मर्जी। चलो क्लोरोबेंजीन करके दिखाता हूँ। मेन क्या है, यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, इसके आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। ये वाले जब भी आपको ये वाला कंपाउंड दिखाई देना, तो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओगे, जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए, ठीक है। पर इन वाले में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हो, जो बॉन्डेड नहीं है, जो फ्री है। बात समझ पा रहे हो? दिखाने को तो कुछ भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब करेंगे कैसे सर, बता दो मुझे। तो बड़ा आसान तरीका रहेगा, तरीका क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, इसका एग्जाम में आता है, ये काफी फेमस कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। तुमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस डबल बॉन्ड को देखना है, ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड को देखना है, और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन को देखना है, जो भी इलेक्ट्रॉन दो हो, कम से कम दो इलेक्ट्रॉन को, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाना है और यहाँ पर शिफ्ट करना है। यही तरीका रहेगा, बोल रहा हूँ मिलियंस ऑफ क्वेश्चन, एक लाख क्वेश्चन में भी सेम तरीका रहेगा, आपको समझना है। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो रेजोनेंस तुम्हारे मुट्ठी में। देखो यहाँ पर क्या है कि अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे स्ट्राइक करेंगे, अब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करेंगे ना, आपको अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट करना है, सेम स्टेप रहेगा, देखते रहना बस, फिर क्या होगा सुनते रहना बस, जो कह रहा हूँ वो डिक्टो, ये सारे स्टेप्स को आपको डिक्टो अपने मन में, तन में, जीवन में अच्छे से बसा लेना है। तो हुआ क्या है सर, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रॉन बना दीजिए फटाफट, बन गए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है साहब, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन बन गए। अब बताओ साहब, सर यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बॉन्ड तो पहले से, और ये दो इलेक्ट्रॉन आके एक बॉन्ड और बना लेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसा हो जाएगा सर। सर इस वाले कार्बन पे क्या होगा सर, तो यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उठ के आ जाएगा, तो एक दो, और ये हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा ये, बात समझे? अच्छा और क्या चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं आया सर, ये क्लोरीन सेम है, यहाँ छः की जगह चार है, एक दो तीन चार, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्लोरीन क्या हो गया? पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, इलेक्ट्रॉन मिला है। अब बताओ क्या ये वाला बॉन्ड सेम है एग्जैक्टली? क्या ये वाला बॉन्ड अभी भी सेम है एग्जैक्टली? तो इन दोनों को एग्जैक्टली सेम छोड़ दिया। तो ये हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आगे क्या होगा सर, आगे देखो, आगे 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 देखो, दोबारा आपको ये देखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, सब कुछ छोड़ो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको पटकना है आपको। तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा लो, इस इलेक्ट्रॉन को उठाओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको उठाओ, और इसको जस्ट बगल वाले के बीच में से पटक दो, इसके बीच में, बॉन्ड के बीच में पटक दो,
हमेशा यही काम करना होता है। अब जैसे इसको यहाँ पे पटकोगे ना, इस वाले अगले वाले बॉन्ड को, क्या बोला मैंने, अगले वाले बॉन्ड को, ये जो अगला बॉन्ड है इसको उठा के पटकना है अगले वाले कार्बन पे, सीधा सेंटर में कार्बन के। मेरी बात सुनो, आपको डिक्टो याद रखना है किसी भी हाल में। दोबारा मुश्किल लगेगा, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, 100 बार में मुश्किल लगेगा, पर 101 बार में हम कर लेंगे। अरे 2 बार करोगे हो जाएगा, रट्टाई तो मारना है यार इस पूरे स्ट्रक्चर को बढ़िया से। सिंपल है, यहाँ आया, यहाँ चला गया, फिर अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन उठ के बीच में आ रहा है तो ये अगले कार्बन पर जा रहा है। क्या करना है यार, मतलब लॉजिकली बात करो ना, कि देखो जो हो रहा है वो तो समझना ही पड़ेगा। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, चलो सब कुछ छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए ना, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ उठ के गया, यहाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया और ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया ये, क्या बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, और क्या क्या बात है, ये क्लोरीन तो सेम है, क्लोरीन ऊपर है, सेम है 4 के साथ, 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव भी है। क्या ये पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लिया हमने, इसको पॉजिटिव बना सकते हो आप ऐसे, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ है बताओ, क्या ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसा ही जैसा था पहले, सेम ऐसे का ऐसा ही है। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा वही होने वाला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले पे चला जाएगा और ये वाला इस कार्बन पे, समझे नहीं समझे मेरी बात को, अगले वाले कार्बन पे। तो क्या होगा अगले स्टेप में, क्या होगा समझना, अगले स्टेप में क्या होगा देखना, अगले स्टेप में ये होने वाला है, ऐसे बनाएंगे हम कि दोस्त सब कुछ तो ठीक है पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये इधर का यार, ये यहाँ आ चुका है, ये वाले उठ के इस वाले कार्बन पे चले गए और नेगेटिव बन गया है ना। अच्छा, और क्लोरीन का तो ऐसे का वैसा ही है, 1, 2, 3, 4 और इस पर पॉजिटिव है। अब क्या ये वाला बॉन्ड सेम का सेम है, कोई दिक्कत हुआ इसमें, एरो यहाँ और यहाँ है ना, तो ये सेम का सेम बना देंगे। मतलब आपको रटना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन में यही टेक्निक लगेगा, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा ना। अब दोबारा देखना है, देखो तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है आपको, अभी आगे शिफ्ट हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, इस वाले बीच में जाएगा, पता नहीं आपको, अगले के बीच में जाता है। तो अब ये वाले जो बॉन्ड है दोबारा उठ के ऊपर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या क्या चेंज आया है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ गए, आ गए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, यानी क्लोरीन के अब 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो पॉजिटिव था वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। अब ये इस ये दोनों बॉन्ड सेम के सेम है, कोई फर्क पड़ा इन दोनों में, नहीं, तो ये यही का यही है, यही का यही है। तो इस प्रकार से अपने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। आप यहाँ पर चेंजेस क्या आया है, चेंजेस डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज हो गई, देखो पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, ये आगे बढ़ गया है एक स्टेप, देखो वहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ गया, पहले जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो एक स्टेप आगे बढ़ गया, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड घूम जाता है बस रेजोनेंस में। अब एक बात ध्यान रखना, एक हम 3 ऐसे लाइन लगाएंगे और बताएंगे क्या क्या हमने किया है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या क्या किया है। तो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ था पहले, क्या था, फिर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो डबल बॉन्ड हर जगह आया है। तो डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ आया उसको डॉट से दिखाना है, समझे मेरी बात को, पूरी हर जगह डबल बॉन्ड आ गया ना घूम घूम के, तो हर जगह डॉट से दिखाना है। क्या यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया है, हाँ जी, यहाँ पर भी क्या आया है, डबल बॉन्ड आया। क्या क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आया था, हाँ जी, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आया था। क्या यहाँ पर नेगेटिव आया था, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, जहाँ जहाँ नेगेटिव आया सब दिखाना है। यानी कि इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, एक ही स्ट्रक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है, कि डॉट का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सब में डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। देखो यही तो हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में। तो दिस इज व्हाट आप किस किस क्वेश्चन के लिए सेम चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर वो लिख दूँ, मान लो फिनॉल लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, फिनॉल, चलो मैं करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं OH लगा दूँ, क्या लगा दूँ, OH, तो यहाँ पर O और H आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, पता ना OH वाले में 4 होता है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, OH बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्या बचेगा सोचो, OH है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्या जाएगा, और इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कितने बचेंगे, 2 क्यों बचेंगे, क्योंकि आपके पास OH के पास होते ही 4 है, कितने होते हैं, और 2 तो चले गए, 2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा बताओ, यहाँ पर Cl की जगह पे बताओ
सीएल की जगह पर ओएच रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर अगली जगह पर क्या होगा बताओ, ओएच हो जाएगा, नहीं समझे मेरी बात को, ओएच एक दो और ये पॉजिटिव, फिर अगली ये ओएच आ गया वापस और ये क्या बन जाएगा, ओएच पॉजिटिव। तो सेम स्ट्रक्चर बना नहीं बना, तो क्लोरीन के लिए भी सेम है, वैसे ही आप चाहो तो इसके लिए भी बना सकते हो सी एस थ्री वाले के लिए। इसमें करके दिखाऊं क्या, इसमें करके दिखाऊं, ये देखो इसमें करके दिखाता हूँ मैं, देखो सी एस थ्री बनाओ, ये कार्बन है एक एच दो एच तीन एच और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया हमने, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ये एच दो एच बचा, ये एच तो निकल गया, ये एच पॉजिटिव बन के निकल गया, समझे। फिर अगली बार में क्या होगा, सेम ये कार्बन एच एच, ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रॉन से खा गए, एच प्लस हो गया है, यहाँ पर क्या होगा सी एच एच, समझ रहे हो कहाँ गया, हाँ एच प्लस ही, अभी तो फिलहाल एच प्लस ही है, हाँ एच अभी तो एच प्लस ही है, अभी हम दिखा रहे हैं कि ये जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर अगली बार क्या होगा सी एच 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 और ये हो गया सी एच एच एच, इसमें पॉजिटिव दिखा सकते हो आपकी मर्जी, पर यहाँ पर हाइब्रिड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आपका वैसे पता क्या बोलते हैं इसको, इसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, फ्यूचर में बताऊंगा, पर समझ में आ गया ना लॉजिकली कैसे काम करना है, तीनों में सेम हो जाएगा। तो दोबारा अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर आ जाए, कौन सा था हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, क्लोरोबेंजीन, है ना। इस प्रकार से आप तीनों में फिट करवा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो, अगर एक ही पैटर्न आपको याद है तो, मैं तो कहूँगा आपको पैटर्न ही याद कर लेना सबसे बेस्ट है ना, नौटंकी खत्म हो जाएगी। अब तीनों आप प्रैक्टिस करो बैठ के, फिर आपका रेजोनेंस हो जाएगा अच्छे से, फिर क्लोरोबेंजीन आ जा भाई, तो बहुत मेहनत लग रही है, आ जा आ गया क्लोरोबेंजीन।